मकर राशि, तीन ग्रहों के महापरिवर्तन का क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव है, पहले बुरा जानिए। बेवजह के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, आपके ऑफिस में भी और आपके घर में भी बेवजह के विवादों की स्थिति आपके लिए बन रही है। व्यर्थ की चिंताएं भी आपकी बढ़ सकती हैं, व्यर्थ की चिंताएं भी आपके साथ रह सकती हैं, सतर्क रहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत ले लीजिएगा कि मैं नौकरी बदल लूं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं बड़ा काम कर दूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जल्दबाजी में निर्णय लेना आपका गलत होगा। सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके जीवन में सुधार होगा। देखिए, मुश्किल तो है, इससे इनकार नहीं करेंगे। आपको वाद विवाद से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, लेकिन अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने का मौका आ ही गया है तो बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिएगा तो आप मुश्किल से बच जाएंगे। पढ़ाई लिखाई और परिश्रम के काम में आपको लाभ होगा। इस समय आपका पढ़ने लिखने में मन लगेगा और अगर कोई परिश्रम का काम है, कोई मेहनत का काम है, तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को अगर हम देखें तो अच्छा क्या है बुरा क्या है समझते हैं। अच्छा ये है कि आपको धन का लाभ होगा, उपहारों का लाभ होगा और जीवन में समृद्धि आपके बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपके सुधार होगा, आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होता चला जाएगा। ये तो अच्छा हो गया। ध्यान कहां रखना है, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत को लेके तीन ग्रहों का महापरिवर्तन अगले एक महीने तक आपके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शरीर में आपको शिथिलता का, शरीर में कमजोरी का, थकान का अनुभव इस समय होगा और बेवजह का डर, बेवजह की चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है। देखिए, धन का मामला, काम का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी दिख रही हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, आप थके थके दिखाई दे रहे हैं और बेवजह का डर और भय आपको परेशान कर सकता है। जो बात है ही नहीं उसको लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। मीन राशि, क्या अच्छा है क्या नकारात्मक है ये जानते हैं। देखिए, तीन ग्रहों के महापरिवर्तन का फायदा क्या है, लोगों से प्रेम और सहयोग मिलेगा। लोगों से प्रेम मिलने की और सहयोग मिलने की संभावना आपके लिए दिख रही है। स्त्री पक्ष से आपको सुख मिलेगा, माता से, बहन से, पत्नी से, पुत्री से, महिला मित्र से आपको इस समय सुख की प्राप्ति होगी। ये जो समय है ये आपकी माता के लिए और आपके परिवार की उन्नति के लिए बहुत अच्छा होगा।
माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, माता के जीवन में सुधार होगा और आपके परिवार में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति आपकी लगातार अच्छी होती चली जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी, अच्छे पैसे मिलेंगे आपको और इस समय ऐसा लग रहा है कि तीन ग्रहों के महापरिवर्तन की वजह से आपका स्थान परिवर्तन भी इस समय जरूर हो सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना आपके लिए बन रही है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।